कोई मेरे दोस्त है जी मैम? ओ वाह, आप पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा किया आपने? माइक दे दीजिए मैम को. हेलो सर. हेलो. हेलो सर. हेलो मोहतरमा. सर मुझे पूछना है कि मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादी हो रही है रिसेंटली, तो मेरे मॉम डैड मुझे भी बोल रहे हैं कि यू नो तुम्हारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो तुम भी शादी कर लो. कोई जरूरत नहीं है. तो फिर आपका मन क्या कहता है? मैं कंफ्यूज हूँ कि लाइक मैं शादी करूँ अभी या नहीं करूँ, तो मुझे आपको पूछना है कि मैं क्या करूँ. मैं अभी क्या बोलूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मैं ना एक्चुअली जब भी मैं काम नहीं कर रहा था ना, तो मेरे आसपास एक ही लड़की थी और मुझे लगता था दुनिया में है ही नहीं लड़कियां, तो मैंने तो उससे शादी कर ली. बाहर आया हूँ अभी, देख रहा हूँ कितनी सारी हैं. तो नहीं, आपका देखिए, आप पढ़ाई कर रही हैं या हो गया आपका स्टडी वगैरह फ्री? नहीं, जॉब कर रही हूँ मैं. जॉब कर रही हैं आप, तो आपका जो दिल करता है करिए आप. जरूरी नहीं है मम्मी पापा, मतलब वो तो कहते हैं सर. मेरी मम्मी भी तो बड़े सालों से कह रही थी, करनी पड़ी मुझे. बाकी खूबसूरत बहुत है आप. आप अपनी चिंता मत करो, एक बार हाथ खड़ा करो 200 बंदे तैयार हो जाएंगे. कोई चक्कर नहीं. तो आपने नाम ही नहीं बताया अपना. श्रुति. श्रुति बहुत खूबसूरत है आप, सेल्फ डिपेंडेंट है. हजारों लड़के लाइन लगा खड़े होंगे. मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं, क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे लौंडे लपाड़े ना सारे. ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी उसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे. तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत बहुत है आप. थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.